Students, how are you? I hope you are fit and fine. Students, today in this video I will discuss division of polynomials to trinomials by the use of traditional methods. So students, without wasting time, let's start now. लेते हैं division of polynomials to trinomials, यानी कि बहुपद में त्रिपद का भाग कैसे देते हैं, इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाले. पहले क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, यानी कि एक polynomials है, इस polynomials में आपको इस trinomials का डिवाइड करना है. ठीक है, आपको जो polynomial दिया गया है वो polynomials है x power 10 minus x power 9 plus x power 8 plus 5x power 7 minus 5x power 6 plus 5x power 5 plus 3x power 4 minus 3x power 3 plus 3x power 2 minus 10. ये आपको polynomial दिया गया है. इस polynomial में आपको इस trinomials का डिवाइड करना है. trinomial में आपको दिया गया है x power 3 minus x power 2 plus x. ठीक है, यहाँ पे आपको करना क्या होता है, इसको आपको समझना है. ठीक है, यहाँ पे आपको जो फर्स्ट टर्म दिया है, यहाँ पे जो आपको फर्स्ट टर्म दिया है और साथ ही साथ यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म दिया गया है, इनके फर्स्ट टर्म को हम देखते हैं. ठीक है, अगर यहाँ पे फर्स्ट टर्म दिया है, इस फर्स्ट टर्म में आप क्या मल्टीप्लाई कर दें, इस फर्स्ट टर्म में आप x पावर 3 में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि आपका आ जाए x पावर 10. यही आपको पता करना रहता है, हर टाइम आपको यही करना है. यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है और यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है, जब इसको सोल्व कर लेंगे, इसके बाद में जो फर्स्ट टर्म आएगा, उस फर्स्ट टर्म को आपको उसके साथ में हमें क्या मल्टीप्लाई करें, इसमें क्या मल्टीप्लाई करते हैं, वो जो यहाँ पे फर्स्ट टर्म आएगा वो आ जाए. इसके बाद में फिर सॉल्यूशन करने के बाद फिर वापस से हमें संख्या उतारते हैं, फिर वापस से हमको टेबल पढ़ना रहता है, यानी कि इसमें आप क्या मल्टीप्लाई कर दें या इसका टेबल कितनी टाइम पढ़े कि हमारा ये वैल्यू आ जाए जो यहाँ पे फर्स्ट रहेगी. अभी देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करके बता रहे हैं. अभी यहाँ पे है कि यहाँ पे x पावर 3 है और यहाँ पे x पावर 10 है, यानी कि अगर आपको x पावर 3 का टेबल पढ़ना है तो कितना टाइम पढ़े कि हमारा x पावर 10 आ जाए. ठीक है, तो इसको सोल्व करने का आप तरीका है, यहाँ पे आप लीनियर इक्वेशन जानते होंगे, अगर आपको ये लाना है इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि आपको ये आ जाए, तो आप सीधा से क्या करते हैं, इसमें आप सीधा डिवाइड कर देते हैं. सीधा डिवाइड करेंगे, x पावर 10 में आपको डिवाइड करना है x पावर 3 का. जैसे आप डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे आ जाएगा x पावर 7. कैसे आया, मैंने आपको बताया कि डिवीजन में सेम वेरिएबल होने पर पावर को सेपरेट कर दिया जाता है, इसीलिए 10 में से 3 को माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा, ये 7 आ गया. कि आपको x पावर 3 का टेबल पढ़ना है x पावर 7 टाइम. x पावर 7 टाइम आप टेबल पढ़ेंगे तो आपका आ जाएगा x पावर 10. आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा. अब यहाँ पे जब हम जितना टाइम टेबल पढ़ते हैं उसको यहाँ लिखते हैं, इसके बाद में ये वैल्यू को लिखेंगे. साथ ही साथ आपको जिस प्रकार से आप इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसी प्रकार से इसको भी आपको कंटिन्यू करना है. देखिए यहाँ पे आपने टेबल कितना टाइम पढ़ा है, यहाँ पे आपने जो टेबल पढ़ा है वो पढ़ा है एक्स पावर 7. ठीक है, 7 टाइम. इस प्रकार से आपने एक्स पावर 3 का टेबल एक्स पावर 7 टाइम पढ़े हैं, उसी प्रकार से आपको एक्स पावर 2 का टेबल एक्स पावर 7 टाइम पढ़ना है, और साथ ही साथ आपका इसका भी टेबल इतना टाइम पढ़ेंगे तो जो आएगा उसके साथ में लिखेंगे. ठीक है, सेम वेरिएबल सेम पावर के नीचे ही लिखेंगे, यानी कि आप x पावर 3 टाइम पढ़ें तो कितना आ गया, यहाँ पे आपका आ गया x पावर 10 आ गया. और साथ ही साथ इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ ये प्लस है. ठीक है, ये प्लस का x पावर 7 का मल्टीप्लाई कहते हैं, ये माइनस और प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. सेम वेरिएबल होने पर मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो पावर को ऐड कर दिया जाता है, तो यहाँ पे देखिए x पावर 2 है और x पावर 7 है, तो क्या हो जाएगा, x पावर 9 हो जाएगा. इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए x पावर 9 है, इसके नीचे ही लिखा जाएगा. ठीक है, x पावर 9 हमने लिख दिया. ठीक है, अब इसके बाद में प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, इसके बाद में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वेरिएबल होने पर पावर को ऐड कर दिया जाता है मल्टीप्लाई के रूल में. ठीक है, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा एक्स पावर 8 हो जाएगा. ठीक है, इसके बाद में हमें क्या करना रहता है, माइनस करना रहता है. देखिए माइनस कैसे आता है इसको आप समझेंगे, यहाँ पे आप जब माइनस करने जाएंगे तो देखिए इसमें से आपको इसको माइनस करना है, यानी कि यहाँ पे ब्रैकेट लग जाएगा. जैसे ही ब्रैकेट लगता है तो जब ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो जो अंदर वाली वैल्यू क्या है, अंदर वाली जितनी भी वैल्यू होती है वो सारी साइन चेंज हो जाता है. ठीक है, यहाँ पर अगर प्लस का है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा. ये माइनस का साइन क्यों होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिए. देखिए जब हम माइनस करते हैं ब्रैकेट के बाहर कोई माइनस होता है, यानी कि आपको एक्स पावर 10 माइनस एक्स पावर 9 प्लस एक्स पावर 8 में से आपको माइनस करना है एक्स पावर 10 माइनस एक्स पावर 9 प्लस एक्स पावर 8. इसको आपको माइनस करना है तो देखेंगे एक्स पावर 10 माइनस एक्स पावर 9 प्लस एक्स पावर 8, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस एक्स पावर 10 हो जाएगा, और साथ ही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स पावर 9, और ये माइनस प्लस माइनस एक्स पावर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा. देखेंगे आप एक्स पावर 10 से एक्स पावर 10 कट जाएगा, सेम वेरिएबल सेम पावर में, ये 1 है ये भी 1 है कट जाएगा, इसके बाद ये भी कट जाएगा और इसके बाद में ये कट जाएगा, देखेंगे कितना हो गया, 0 हो गया. इसको भी आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर 0 ही आएगा. देखिए कैसे किया जाएगा, यहाँ पे माइनस किया आपने तो साइन सबका चेंज हो गया. ठीक है, यहाँ प्लस का था तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और यहाँ माइनस का था तो यहाँ कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और साथ ही यहाँ पे प्लस का था साइन तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा. देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, अब जो साइन इनका जो नीचे वाले वैल्यू को इनका साइन जो कंसिडर किया जाएगा, इनका किया जाएगा ये नीचे वाली साइन कंसिडर किया जाएगा, ये ऊपर वाले साइन अब हम नहीं कंसिडर करेंगे. देखिए यहाँ पे इसका साइन हो गया माइनस, इसका साइन हो गया प्लस, इसका साइन हो गया माइनस. जब ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, यानी कि इसका आंसर आ गया
जीरो जीरो जीरो, ठीक है। लिखते हैं क्या क्या है, फाइव एक्स पावर सेवन माइनस फाइव एक्स पावर सिक्स प्लस फाइव एक्स पावर फाइव है। तो आप यहाँ सारे सारे टर्म यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, बट अभी हम थ्री थ्री टर्म लेके यहाँ पे काम चला रहे हैं। यहाँ पे जो टर्म थे अब उनको हमने कॉपी कर लिया है, अब इनको हमको सोल्व करना। आप देखिए कैसे सोल्व किया जाएगा, यहाँ पे ये सारे टर्म हो गए थे जीरो, यानी कि इसको आप हटा सकते हो या तो यहीं पे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको आ गया प्लस का फाइव एक्स पावर सेवन, यानी कि अब एक्स पावर थ्री का टेबल आप कितना टाइम पढ़े कि आपका फाइव एक्स पावर सेवन आ जाए। एक्स पावर थ्री में क्या मल्टीप्लाई करें कि आपको फाइव एक्स पावर सेवन आ जाए, तो आप सीधा सिंपल से क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे। तो जैसे ही डिवाइड आप करेंगे एक्स पावर थ्री का, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे फाइव एक्स पावर फोर आ जाएगा, यानी कि आपको यहाँ पे फाइव एक्स पावर फोर का मल्टीप्लाई करना है। या तो आप इसको समझ लो कि इतना टाइम हम टेबल पढ़ रहे हैं, या तो इसको समझ लो आप इसका डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई और टेबल पढ़ना बात एक ही होता है, ठीक है। तो अब हम डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस है, यहाँ पे क्या है प्लस है, प्लस प्लस क्या हो जाता है प्लस फाइव एक्स पावर सेवन, इसके बाद में माइनस प्लस माइनस फाइव एक्स पावर, यहाँ पे फोर यहाँ पे टू है, कितना हो जाएगा सिक्स हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे भी प्लस 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 फाइव एक्स पावर फोर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जैसे ही आप माइनस करते हैं, यहाँ प्लस का तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, यानी कि साइन चेंज हो जाएगा। वापस से जब आप माइनस करेंगे फाइव एक्स पावर सेवन और फाइव एक्स पावर सेवन, एक प्लस का एक माइनस है, सेम वेरिएबल सेम पावर होने पे हम एड और सबट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कट गया तो ये कितना हो जाएगा जीरो, इसके बाद में इसको आप सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा फाइव एक्स पावर सिक्स, ये प्लस है वहाँ माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ इसको प्लस यहाँ फाइव आएगा, फाइव कैसे आएगा, यहाँ पे एक्स का मल्टीप्लाई जब इसके साथ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा फाइव एक्स, इसके बाद में यहाँ पे एक्स पावर कितना है वन है, और यहाँ पे एक्स पावर फोर है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर एड हो कितना हो जाएगा यहाँ पे फाइव आ जाएगा, ठीक है। जब इसको आप प्लस माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस भी लगा सकते हैं माइनस लगाते हैं, पर आपको याद रखना कि यहाँ पे जीरो पे कोई साइन नहीं होता, ठीक है, वो न्यूट्रल होता है। तो अब बची हुई संख्या हमारे पास वो क्या है उसको हम कॉपी करते हैं। देखिए हमारे पास रिमेनिंग टर्म कौन कौन से बच्चे हैं उसको लिखते हैं, एक्स पावर थ्री एक्स पावर फोर और माइनस थ्री एक्स पावर थ्री प्लस थ्री एक्स पावर टू और माइनस टेन, ये हमारे पास टर्म रिमेनिंग रह गए थे, इसको हम कॉपी किए। अब हमें वापस से टेबल पढ़ना है, एक्स पावर थ्री का टेबल कितना टाइम पढ़ें कि हमको आ जाए थ्री एक्स पावर फोर आ जाना है, ठीक है। हमको ये लाना है तो हमें पता है कि कितना प्लस का, पहले बात तो थ्री है तो थ्री का लाना ही पड़ेगा, और साथ ही साथ यहाँ पे एक्स पावर कितना है फोर है, तो यहाँ पे एक्स पावर थ्री है, यानी कि सीधा सिंपल एक्स का और मल्टीप्लाई कर देते हो, एक्स पावर थ्री है और यहाँ पे एक्स पावर वन है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि थ्री एक्स पावर अब आ जाएगा फोर आ जाएगा, यानी कि आप अब इसका टेबल इतना टाइम पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस थ्री एक्स पावर फोर। अब यहाँ पे इसका टेबल पढ़ेंगे तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, अब इसके बाद में इसका टेबल पढ़ेंगे तो थ्री एक्स पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे टू है, तो एक और थ्री हो जाएगा, और साथ ही साथ इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा प्लस का थ्री एक्स पावर टू आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास यहाँ टर्म नहीं है, बट यहाँ पे हमारे पास टर्म है, तो इसको यहीं पे रहने देते हैं। अब इसको बाद में इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पे आप माइनस करने जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा, साइन यहाँ प्लस का तो यहाँ माइनस का हो जाएगा, यहाँ माइनस का है तो यहाँ प्लस का हो जाएगा, यहाँ प्लस का तो यहाँ पे माइनस का हो जाएगा। देखेंगे अब इसको माइनस करते क्या हो जाएगा, थ्री एक्स पावर फोर और ये थ्री एक्स पावर फोर है, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये कैंसिल आउट होकर जीरो हो जाएगा। और साथ ही साथ इसको सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा ये भी, इसको प्लस लगाना तो प्लस माइनस लगाना माइनस, पर कोई साइन नहीं होता जीरो, आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पे सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा थ्री एक्स पावर थ्री और ये भी माइनस का है और ये प्लस का है, ये कट के जीरो हो जाएगा, और साथ ही साथ ये भी प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा प्लस का जीरो, और साथ ही साथ यहाँ पे माइनस का टेन हमारा रिमेनिंग, यहाँ पे माइनस टेन बचा। अब माइनस टेन का मतलब क्या हुआ है कि यहाँ पे जो माइनस टेन एक्स पावर जीरो है, तो यहाँ पे एक्स पावर जीरो है और यहाँ पे मैक्सिमम एक्स पावर कितना है यहाँ पे थ्री है। जब यहाँ की पावर ज़्यादा हो और यहाँ की पावर कम हो जाए तब हम डिवाइड देना बंद कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर हो वो इससे अगर छोटा आ गया, यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर है इससे अगर छोटा आ गया तो हम डिवाइड देना बंद कर देते हैं, यानी कि अब फिर हम डिवाइड नहीं दे सकते हैं। क्या हुआ, अब ये जो बचा माइनस टेन का, ये माइनस टेन आपका क्या हो जाएगा, ये रिमाइंडर हो गया, ये हो जाएगा आपका कोशियंट हो गया, और साथ ही साथ ये क्या हो जाएगा आपका, ये डिवीज़र है, और ये पूरा क्या है डिविडेंट है, ठीक है। ये क्या है डिविडेंट, ये आपका डिविडेंट है, ठीक है। ये डिविडेंट हो गया और ये आपका डिवीज़र हो गया और ये आपका क्वेश्चन हो गया और ये रिमाइंडर हो गया। यदि आपको चेक करना आपका आंसर सही है या गलत है तो आप इसको चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करते हैं, ये फार्मूला मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। जो डिविडेंट बराबर होता है, डिविडेंट जो डिवीज़र डिवीज़र इंटू क्वेश्चन क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, यानी कि डिविडेंट इक्वल टू क्या होता है,
डिवीजर इंटू क्वोशियंट प्लस रिमाइंडर। यदि आप डिवीजर में क्वोशियंट का मल्टीप्लाई कर देते हो, इसका आप अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देते हो ये जो आपका आया है, और साथ ही साथ आपका रिमाइंडर जो माइनस का 10 आया है उसमें ऐड कर देते हैं, तो आपका आंसर क्या आ जाता है, ये आपका आंसर आ जाता है। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर ये क्वेश्चन कैसे आया है, और साथ ही साथ ये माइनस का 10 रिमाइंडर कैसे आया है।